भाई क्या जबरदस्त बारिश है। ये हमारी गाड़ी बारिश से भीग रही है। फाड़ के फेंको, थोड़े थोड़े फेंको और काफी दूर में छितराना। हाँ, खाली एक फेंकना। दोस्तों इसी जगह का बात कर रहा था जो कि भारत भारी में पड़ेगा। सामने दोस्तों पीछे के साइड मंदिर है और ये बहुत बड़ा तालाब है दोस्तों। यहाँ दोस्तों काफ़ी साल पहले आता था तो लाई खिलाता था, तो बहुत बड़ी बड़ी कछुए आते थे जो कि हमसे हमको बैठा के लेकर चले जाते, इतना ज़बरदस्त कछुए आते थे। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम दोस्तों मामा के घर पे आए, हमें दूसरा दिन हुआ। कल आया था दोस्तों तो रुका था आधा एक घंटा के लिए, फिर गया था बारात अटेंड किया दोस्तों, फिर हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई दोस्तों, कुछ खबर नहीं कर पाया। फिर गया लड़के के घर बड़वा राजा, वहाँ दोस्तों रहा एक घंटा, वहाँ से दोस्तों रात में ही चला आया मामा के घर। यहाँ आया दोस्तों, खाना वाना खाया, सो गया। अभी दोस्तों उठा सीधा आया दुकान पे, जो कि दुकान दोस्तों इधर है ये बगल में, ये जो मिट्टी का दिख रहा है छपरे वाला यही है। यहाँ दोस्तों चाय वाय पिया फिर चले आए। ये कि पुलिया के बगल में दोस्तों ये छोटा सा तालाब है, इधर खड़ा हूँ दोस्तों। और दोस्तों मौसम इस समय काफ़ी अच्छा और सुहाना है और दोस्तों बारिश भी आ रही है, दो सामने बरसात हो रहा है ये इधर। भाई क्या जबरदस्त बारिश है। ये हमारी गाड़ी बारिश से भीग रही है। 10 मिनट का बारिश हुआ, कितना पानी पानी हो गया। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, बारिश रुक चुका है, 10-15 मिनट का बारिश हुआ दोस्तों, लेकिन काफी पानी गिर चुका है, करीब एक लहरा के करीब में गिरा पानी दोस्तों। और दोस्तों मौसम इतना कूल हो चुका है और काफी कूल हवा चल रही है दोस्तों। दोपहर के 1 बज गया दोस्तों, अभी मामा के घर से निकला नहीं हूँ, मामा के घर पे हूँ। और दोस्तों मामा और मामा का लड़का दोनों लोग गए वलीमा खाने के लिए, और छोटे वाले लड़के के ससुराली दोस्तों लोग जा चुके हैं। दोस्तों हम घर पे हैं और अभी यहाँ से निकले नहीं है और निकलेंगे दोस्तों। और जो छोटा वाला हमारा मामा है वो हमारे जो भाई इंस्पायर हुए हैं उनके दोनों लड़के को, बड़े वाले लड़के और छोटे वाले लड़के को लेकर गया घर पे, वहीं पे अभी है, अभी लेकर आएंगे तब यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये हम जॉन डियर के ट्रैक्टर पे बैठे हैं, काफी अच्छा सीट है इसका, मस्त है। और ये ही है ट्रैक्टर दोस्तों जॉन डियर का, काफी अच्छा दिख रहा है, ग्रीन कलर का। तो सामने भी एक मिरर लगा हुआ है, एक मिरर इधर है दोस्तों। मामा जैसे लड़के को लेकर आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और लेकर चलते हैं दोस्तों घर को। फिर दोस्तों अपने मामा के घर की अच्छी चीजें दिखाते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है वही चीजें दिखाएंगे दोस्तों, और बुराई वाली चीजें तो ऐसे कुछ है नहीं दोस्तों। हमारे मामा के लड़के एक चीज के तो दोस्तों हमें सबसे ज्यादा वो लवर लगते हैं। चल के पहले दिखाते हैं दोस्तों, उसके बाद में बताते हैं कि क्या किस चीज के सबसे ज्यादा लवर है हमारे मामा के लड़के। मामा के लड़के जानवर के सबसे ज्यादा लवर है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कुत्ता दिखाया और बतख दिखाया और कबूतर दिखाना बाकी रह गया दोस्तों। आपको दिखाने के लिए दोस्तों छत पे चढ़ा हूँ, जो कि दोस्तों कबूतर पालने के लिए दोस्तों दो घर बनाए कबूतर के लिए, एक ये छोटा सा है और एक दोस्तों ये बड़ा वाला है जिसके ऊपर पानी का टंकी रखा गया दोस्तों। हमारे मामा के लड़के जो है कबूतर पाले थे, कबूतर लगभग 100+ कबूतर थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक नेवला रहता था इधर पीछे घर के बगल में, एक काली सी पन्नी से कुछ ढका हुआ है ये सामने इधर, एक बिल था दोस्तों उसमें रहता था। एक दिन क्या किया नेवला, इस पेड़ से सीधा चढ़ के आया और इधर छत पे से दोस्तों एक छोटा सा होल था वो बड़े वाले घर के अंदर, उसके अंदर से दोस्तों घुसा। उसके बाद दोस्तों 90+ कबूतरों का सर धड़ से अलग कर दिया। सुबह के टाइम भाई जब मामा का लड़का उठा, जो दाना वाना देना होता है, आया देने और जब देखा भाई उनका बड़ा लड़का पागल सा हो गया। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी रोया था,
उसके बाद में दोस्तों बोरा लाया, बोरे के अंदर कबूतरों को भरा जो मर गए थे, उनको लेकर जाके दोस्तों ये नहर है, हाँ आपको पहले दिखाया हूँ, ये बंदा जिधर है इधर ले जाके दोस्तों उसको मिट्टी के अंदर दफन किया। फिर दोस्तों मामा का लड़का आया, फिर इसके अंदर क्या क्या जाली मार दिया, देखो जाली मारा हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है ये जाली मार दिया कि यहाँ से ना आने पाए। फिर दोस्तों जितना सारा होल था वो सब एकदम से पैक कर दिया, खाली हम छोटा छोटा सा होल छोड़ा कि मतलब सांस आने और जाने भर का जगह रहे, जिससे कबूतरों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों कबूतर काफ़ी प्यारे थे, ये देखो सामने कितने अच्छे अच्छे कबूतर हैं, ये ऐसे सारे कबूतर थे दोस्तों, बहुत प्यारे हमें लग रहे हैं भाई साहब। और दोस्तों यही चीज़ हमें अपने मामा के लड़के के अंदर अच्छाइयाँ दिखती है। दोस्तों बड़े मामा के घर इंतज़ार कर रहा था कि छोटे मामा बच्चों को लेकर आए फिर मैं निकलूँ यहाँ से। दोस्तों छोटे मामा बच्चों को लेकर आए, लेकिन दोस्तों वो बोले कि हमारे साथ थोड़ा काम है, चल चलो 2 किलोमीटर दूर। मैं बोला मामा हमको निकलना है, रिक्वेस्ट किया, मैं बोला ठीक है। फिर दोस्तों वो बैठा है हमको गाड़ी पर, उनके साथ निकला, 2 किलोमीटर से मामा हमारे आगे लेकर बढ़े। तो मैं बोला मामा किधर जाना है, बोले कि कहीं नहीं थोड़ा और, ऐसे करके दोस्तों ले आए 10 किलोमीटर। उसके बाद में बोले, जब मैं थोड़ा मामा को फोर्स किया कि मामा बताओ ना किधर जाना है, तो बोले कि चलना है वलीमा खाने। मैं बोला आप यही गड़बड़ कर दिए ना, मैं कल बहाना मार के निकला था कि हमको काम है और आप लेकर जा रहे हो। को बोले कोई बात नहीं, चल के जहाँ खाना खिलाते होंगे वहीं से खाना खा के मैं उनको दहेज दूंगा, जिसको नेवताई बोलते या दहेज बोलते हैं, या फिर लड़की को बोलते हैं मुँह दिखाई, तो जो वहाँ चलता होगा देकर निकल आएंगे। मैं बोला ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब तो चलना पड़ेगा, आप 10 किलोमीटर आ गए हैं, अब इधर छोड़ोगे तो मैं जाऊँगा किधर पैदल। तो दोस्तों उनके साथ उस लड़के के घर आया, और दोस्तों हमको तो भूख नहीं था, मैं तो कुछ खाया नहीं दोस्तों, सीधा बाहर बैठा था। और हमारे मामा के लड़के का जिसका ससुराल है उससे मैं गाड़ी मांगा, उसका वाला यही गाड़ी दोस्तों शादी में पाया था, तो गाड़ी दिया हमको। फिर दोस्तों गाड़ी लेकर 1 किलोमीटर आगे आया, ये नहर है जिसको अमिया बोला जाता है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों आके थोड़ा मैं सोचा कि आप लोगों का यहाँ का व्यू दिखा दूँ फिर निकलो। यहाँ पे दोस्तों आजू बाजू बहुत यूपी का राजकीय पक्षी दिखाई देते हैं, दिखाता हूँ कैमरा मूव करके। दोस्तों सारस यहाँ बहुत ज़्यादा है, देखो 2 इधर हैं और सारस के बच्चे इधर भी हैं, ये देखो कहाँ गए, ये देखो और दिखाऊँ दोस्तों, बहुत अधिक है वो, देखो सामने अनगिनत है, ये देखो। चलते हैं दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, और जो था मैंने दिखा दिया दोस्तों, और मामा का लड़का बोल रहा था कि थोड़ा गाड़ी जल्दी लेकर आना, तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से। फाड़ के फेंको, थोड़े थोड़े फेंको और काफी दूर में छितराना, हाँ हाँ खाली एक फेंकना, मछली खाली दिखाई दे रही ना, अगवा फेंको अगवा, हाँ यही किनारा फेंको, खाली मछली दिखाई दे रही, खछुआ तो नहीं दिखाई दे रहा भाई। दोस्तों इसी जगह का बात कर रहा था जो कि भारत भारी में पड़ेगा, सामने दोस्तों पीछे के साइड मंदिर है, और ये बहुत बड़ा तालाब है दोस्तों। यहाँ दोस्तों काफ़ी साल पहले आता था तो लाई खिलाता था, तो बहुत बड़ी बड़ी कछुए आते थे जो कि हमसे हमको बैठा के लेकर चले जाते, इतना ज़बरदस्त कछुए आते थे। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों सुबह के टाइम जहाँ मैं चाय पी रहा था वहाँ काफ़ी बंदे थे, यानी 15-16 लोग थे, तो उन लोगों से पता क्या था कि कछुए अब भी निकलते हैं क्या, तो बोले ऐसा नहीं है भाई, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बोले यहाँ के लोकल लोग मतलब जिसके अंदर में ये सब है, अब आप समझ ही सकते हो, बोले वो लोग सेलिंग कर दिए, ट्रक लदा देते थे रात में, यानी कलकत्ता भेज देते थे। अब क्या सही है क्या नहीं सही है दोस्तों अपने को तो नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों मछली इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि लाई खिला रहे थे तो मछलियाँ आ रही थी, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, कछुए वछुए नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी समय हो गया, और गया था मेरे मामा ने बेवकूफ़ बना के हमको लेकर चले गए थे लड़के के घर जहाँ शादी था, वहाँ गए खाना वाना वो खाए, हम तो नहीं खाए दोस्तों। फिर आया वहाँ से रुकते रुकाते काफ़ी समय लग गया पहुँचते मामा बड़े मामा के घर, वहाँ गया दोस्तों, फिर अपने भाई के लड़के को लिया, अब लेकर जा रहे हैं दोस्तों घर को, चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो अभी हमें 21-22 किलोमीटर दूर जाना, ज़्यादा समय हो जाएगा।
और दोस्तों कैमरा मूव करके दिखाते हैं एक बार और मंदिर। ये रहा दोस्तों सामने मंदिर, काफ़ी खूबसूरत है। एक मंदिर ये है दोस्तों और ये एक छोटी सी मंदिर ये है। चलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। हमारी गाड़ी इस मंदिर के ऐसे तिरछे पर पार्क किया हुआ है, तो चलते हैं गाड़ी लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ। ये देखो दोस्तों कितनी सारी मछलियाँ। और यहाँ दोस्तों मेला काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, कभी प्रेजेंट टाइम में रहा तो दिखाएंगे यहाँ का मेला कितना ज़बरदस्त लगता है। और ऐसा मेला तो दोस्तों आज तक नहीं देखा और ना कभी देख पाऊँगा, क्योंकि ये जो मेला लगता है बहुत काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और हमारी गाड़ी दोस्तों और टंकी के बगल में पार्क है, ये देखो। दोस्तों रात के 7:30 बजे और दोस्तों पहुंचने वाले हैं मानीचंद। मानीचंद से दोस्तों 500 मीटर पहले एक बाबू जी ढाबा है, ये ट्रक वालों के लिए है दोस्तों, सबके लिए है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा करके ट्रक ड्राइवर यहाँ पे रुकते हैं। जब मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों तो मेरे भाई का लड़का जो ये है ये पूछ रहा था कैसे अब्बा गाड़ी आप कहाँ खड़ा करते हो, खाना कहाँ खाते हो, कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो। तो दोस्तों रास्ते में पड़ा तो मैं बोला आज इसको दिखा देते हैं और चाय पिला देते हैं, जो कि दोस्तों होटल के अंदर जाके चाय पिला दिया और पी के दोस्तों चला आया। मैं नहीं गया था पीने के लिए दोस्तों, इसी को भेजा था कि जाके पी ले। अब दोस्तों पैसा खाली कटाना बाकी है, पैसा देते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी दोस्तों हमें जाना है कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर, हमें जाना पड़ेगा चक्कर चौराहा से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे दोस्तों क्योटा को। तो दोस्तों पैसा कटाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं, 7 मिनट बाकी रह गया है और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों घर पे। और हमारा बिटवा जो है अब बोल दें तुम्हारा बेइज्जती करवा दें, नहीं करवाएंगे हम। चाहें तो दोस्तों अपने बिटवा का बेइज्जती करवा दे गोलू का, क्योंकि ये चड्डी नहीं पहने है। हाँ तो पहन ले चड्डी। देखो ये सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ, गोलू के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। गोलू के लिए चप्पल लेकर आया, टाफी लेकर आया, देखो कितना सारा टाफी, इतना सारा टाफी। गोलू का चप्पल ये है, आओ दादी के सामने दिखाते हैं गोलू, आओ ले आ टफिया। देखो ये देखो इंडस कंपनी का है, ये रहा। अच्छा है पहनो पट्टी लगा पहनो, देखो होता है उल्टा 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 टाफी हुई। 1 रुपए के छो वाला हो, पहनो 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 पहनो, पहले टाफी उस पर, हाँ वो वाला पर डालो, हाँ डालो। हाँ काफी सुंदर हमारे बिटो गड़ा है, देखो हाय देखो है पहनो ये। अब ये भी डालो, आय दिया बड़ा है थोड़ा लेकिन काफी अच्छा है। सभी चचे के लड़कवा देश रहा था, जाओ हम कम प्राइस लगा के देंगे, ठीक है भैया। मामा लेकर गए थे छोटे वाले।